हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, हम फोटोग्राफी सीख रहे हैं और फोटोग्राफी की पिछली कुछ क्लासेस में हमने फोटोग्राफी के बेसिक नियमों को जाना था और आज हम कस्टम वाइट बैलेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको वाइट बैलेंस के बारे में बताया था। वाइट बैलेंस के बारे में बताने के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगली क्लास में हम कस्टम वाइट बैलेंस के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम कस्टम वाइट बैलेंस के बारे में जानेंगे, यह कैसे काम करता है। दोस्तों कस्टम वाइट बैलेंस हमारे कैमरे के अंदर एक फंक्शन होता है और ये फंक्शन जो भी फ़ोटो हम क्लिक करते हैं उस क्लिक की हुई फ़ोटो को हम कस्टम वाइट बैलेंस के थ्रू डाटा रीड करवाते हैं। हम वाइट बैलेंस का जो कि कैमरे के अंदर अपना डाटा ऑलरेडी होता है वाइट बैलेंस को रीड करने के लिए। तो दोस्तों, आइएगा देखते हैं इसको, ये किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बोतल का फ़ोटो खींच रहा हूँ और जो भी अवेलेबल लाइट है हमारी उसी में, और मैंने यहाँ पर अभी कोई वाइट बैलेंस ऐड नहीं करा है। और यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको दिखला दूँ, यहाँ पर जो मेरा वाइट बैलेंस है, मेरा वाइट बैलेंस अभी जो है मैंने ये जो सिलेक्ट करा हुआ है, ये डे लाइट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। तो डे लाइट के हिसाब से मैं अभी इसको शूट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो क्लिक करा है और ये फ़ोटो हमारा इस कंडीशन पे अभी ऐसा आया है। तो अब मुझे अपना इस पर कस्टम वाइट बैलेंस ऐड करना है तो मुझे अपने कैमरे के फंक्शन में जाना पड़ेगा। कैमरे के फंक्शन में दोस्तों, स्टार्टिंग में जो फंक्शन आता है इस तरीके से आता है कुछ, और मैं यहाँ पर अपना वाइट बैलेंस, पहले मुझे इसको यहाँ पर कस्टम वाइट बैलेंस इसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ है तो मैंने इसको कस्टम सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। और अब कस्टम वाइट बैलेंस के फंक्शन पे जाकर के जो मेरी इमेज मैंने खींची थी सेम एनवायरनमेंट में, और मैंने उसको सेट करना है यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है यूज WB डाटा फ्रॉम दिस इमेज फॉर कस्टम वाइट बैलेंस के लिए, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों, हमारा कस्टम वाइट बैलेंस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर इस तरीके का फोटो आएगा। देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो हमारा जो कस्टम वाइट बैलेंस सेटिंग के बाद में आया है, और इससे जो पहले हमने विदाउट हमारा कस्टम वाइट बैलेंस का जो फ़ोटो था वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो है पहले फ़ोटो जो कस्टम वाइट बैलेंस का जो फ़ोटो था हमारा, पहले ये विदाउट कस्टम वाइट बैलेंस के फ़ोटो हमारा ये था, और कस्टम वाइट बैलेंस करने के बाद में हमारा फ़ोटो इस तरीके से आया है। अब दोस्तों, मैं कुछ अलग अलग एंगल से भी आपको एक फ़ोटो क्लिक करके दिखला देता हूँ सेम कंडीशन में। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं ये फ़ोटो क्लिक करता हूँ, हमारा फ़ोटो इस तरीके से आया है और एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, देखिएगा कि यहाँ पर अलग अलग तीन फ़ोटो मैंने खींचे हैं सेम एनवायरनमेंट में खींचे हैं हमारा कस्टम वाइट बैलेंस सेट होने के बाद में। तो कस्टम वाइट बैलेंस हमने सेट कर दिया, तो अब जितनी भी फ़ोटोज़ हम खींचेंगे उन सभी में कस्टम वाइट बैलेंस हमारा अप्लाई होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कस्टम वाइट बैलेंस को सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि हमने एक एनवायरनमेंट में एक फ़ोटो क्लिक करा, और उस फ़ोटो क्लिक करने के बाद में हमने अपने कैमरे के सेटिंग में जा कर के उस इमेज का जो वाइट बैलेंस का डाटा था उसको कस्टम वाइट बैलेंस के थ्रू उसको रीड करवाया था, जिसके बाद में हमारे कैमरे के अंदर कस्टम वाइट बैलेंस कैमरे ने एक वाइट बैलेंस के लिए एक सेटिंग तैयार कर दी कस्टम वाइट बैलेंस के थ्रू, जो कि आने वाली जितनी भी फ़ोटोज़ हम खींचते हैं उन सभी फ़ोटोज़ पर वो कस्टम वाइट बैलेंस अप्लाई होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।